चार राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। इस शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठक होंगी। सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि आज ही टीएमसी सांसद मऊआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश करने वाली लोकसभा आचार समिति की रिपोर्ट निचले सदन में पेश होगी। सत्र शुरू होने से पहले आज भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिनों को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि आज मेरे संसदीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद से होगी। इससे पहले 2 दिसंबर को सत्र के एजेंडा पर चर्चा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। इस बैठक में 23 पार्टियों के 30 नेता शामिल हुए थे। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया था कि शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा था, शून्यकाल नियमित रूप से होता रहा है। हमने सभी दलों से अनुरोध किया है कि सदन में मुद्दों पर सार्थक बहस हो, इसके लिए माहौल बनाए रखा जाना चाहिए। चर्चा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए होनी चाहिए। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है।